राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अपने घरों पे दिवाली की सभी तैयारियों पे लगे होंगे। दिवाली पर सभी लोग तैयारी करते हैं, सभी कुछ करते हैं देवी माता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। पर क्या आपको पता है, दीपावली से पहले आपको 7 पौधे ऐसे हैं जो घर लाने हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आइए उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। दीपावली की तैयारियों में घर की सज्जा के साथ साथ वास्तु शास्त्र के अनुसार सही पौधों का चयन करना भी एक महत्वपूर्ण है। ये पौधे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर को समृद्धि और सुख के भर देंगे, जिससे आपके जीवन में कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं रहेगी। पहला पौधा है स्नेक प्लांट। जी हाँ, आपने सही सुना, स्नेक प्लांट बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाने से आर्थिक तरक्की, सकारात्मकता, ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। यह पौधा कुबेर देवता को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। घर में प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर या ऑफिस के डेस्क पर रखने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। इसकी देखभाल आसान है और लंबे समय तक हरा भरा रहता है, इसलिए इसे लकी प्लांट भी कहते हैं। दूसरा प्लांट है मनी प्लांट। जी हाँ, सभी को आपको बताती हूँ कि मनी प्लांट घर में धन समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देता है, साथ ही नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। लेकिन इसके लिए वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करना आवश्यक है। मनी प्लांट का सही दिशा में रखकर इसके फायदे बढ़ सकते हैं। यह पौधा घर में समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे सही तरीके से लगाना और देखभाल करना महत्वपूर्ण है। इससे घर में धन और समृद्धि की कमी कभी नहीं रहती है। तीसरा पौधा आता है शमी का पौधा। जी हाँ, शमी का पौधा घर में सुख समृद्धि और शनि देव दोषों से मुक्ति दिलाता है। वास्तु दोष और विवाह में बाधाएं दूर करता है। इसमें भगवान शिव का वास माना जाता है, इसलिए पूजा करने में शिव की कृपा मिलती है। शमी का पौधा कई बीमारियों में भी मदद करता है। कई बीमारियों से इसे मानसिक विकार, श्वसन संक्रमण, दांत दस्त आदि के इलाज में मददगार माना जाता है शमी का पौधा। अब बात करते हैं अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, जिसे धन की बेल भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाने से धन का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे धनवान बनने की मेहनत सफल होती है। अगला पौधा है हार श्रृंगार का। हार श्रृंगार का पौधा धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जड़ का टुकड़ा घर में रखें। नौकरी, व्यापार में तरक्की के लिए 21 फूल लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के पास रख दें। कर्ज से मुक्ति के लिए जड़ पर हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं, इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। हार श्रृंगार के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगला पौधा है तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से घर में सुख समृद्धि और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसको घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह खुली जगह जैसे बालकनी, प्रांगण में रखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगला पौधा है आंकड़े का। आंकड़े का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। सफ़ेद आंक का पौधा घर में लगाने से धन का आगमन और सुख समृद्धि होती है। इसे मुख्य द्वार के पास सामने या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। इस पौधे में भगवान गणेश जी का माना जाता है। इसकी फूल, पत्तियां और जड़ कई बीमारियों में फायदेमंद होती हैं। इसको शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी पर लगाना चाहिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।